हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। मैं नील मानिकपुरी, निर्जरा ब्लॉग्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं घूमने के लिए आया हूँ आज इधर हथगढ़ी तालाब साइड, और इधर जंगल है मेरे पीछे साइड में, देख सकते हैं ये। और इसी जंगल में मैं अपने गाने को लिखता हूँ इधर आके। ये इधर सड़क बना हुआ है और इधर साइड, इसी साइड में आके गाना लिखता हूँ, गाना रहता है तो। और रियाज ही मैं इसी जंगल में आके करता हूँ, ताकि जंगल सुनसान जगह रहता है तो रियाज करने में अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और ऐसे कहीं जगह रियाज करने से कोई आ जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है। जंगल में ज़्यादातर यहाँ कोई रहते नहीं जंगल में, तो रियाज करने में भी आसान होता है। और इधर हरा भरा पेड़ देख करके गाना उना लिखने में भी अच्छा लगता है, बैठ कर लिखने में। और आगे तरफ सामने तालाब है, तो तालाब को भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इधर पूरा जंगल ही जंगल है मेरे आगे साइड में, तो ये देख सकते हैं इधर। और तालाब को भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इधर गाना लिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, हरा भरा में बैठ के अकेले शांत दिमाग से। और इधर मैं हमेशा घूमने के लिए आता हूँ जब घर में रहता हूँ तो। तो दोस्तों, ये काफ़ी मेरे तो दोस्तों ये काफ़ी पुराना तालाब है, देख सकते हैं। अब ये तालाब कभी सूखता नहीं है, यहाँ पर मछली पालन किया जाता था, तो अब शायद नहीं करते हैं समिति के द्वारा। और यहाँ पर पूरा बेशरम का झाड़ हुआ करता था, तो सभी को काट दिए हैं, पंचायत के द्वारा सफाई कर दिया गया है। और लोग बताते थे कि यहाँ पर पहले शेर भालू वगैरह भी पानी पीने के लिए आया करते थे, तो यहाँ पर बंदूकों से उन लोग का शिकार किया करते थे शेर को। बहुत पुराना तालाब है ये, तो पंचायत द्वारा पूरा झाड़ी को साफ करवा दिया गया है रोजगार गारंटी वगैरह में, तो अब पूरा झाड़ी साफ हो गया है। और मछली पालन भी करते हैं, तो अब मछली पालन भी नहीं करते हैं। और इधर पूरा खेत बना दिए हैं जंगल को काट के, पहले यहाँ पर बहुत घना जंगल हुआ करता था, तो पूरा खेत अब बना दिए हैं। और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा घना जंगल था ये। अभी जो तालाब है ना मेरे पीछे साइड देख रहे हैं, ये मतलब बहुत पुराना तालाब है, यहाँ पर पानी कभी ख़त्म नहीं होता, सूखता नहीं है। यहाँ पर सिंचाई वगैरह नहीं करने देते हैं, क्या कि मछली पालन करते थे तो। और यहाँ पर कमल का भी फूल फूला करता था, तो सफाई कर दिए हैं, तो सभी को फेंक फाँक दिए हैं, तो अब नहीं है। तालाब को देख रहे हैं पूरा साफ़ है, ज़्यादा बड़ा तो तालाब रहने के लिए नहीं है, पर यहाँ पर पानी रह जाता है। और अभी सूखा सूखा कुछ है तालाब, क्योंकि इन साल बरसात हुआ नहीं है उतना ज़्यादा, तो तालाब भरा नहीं है, नहीं तो भर जाता है। तो यह इधर काफ़ी सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं मेरे पीछे साइड कितना अच्छा दिख रहा है जंगल। और इधर भी पूरा जंगल था, तो काट के पेड़ों को पूरा खेत बना दिए हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जय जोहार, नमस्कार, वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त।